Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सोशल स्टडी क्लास एवं कॉन्वेंट स्कूल शुक्लागंज नाम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड की सोशल स्टडी बुक हमारा समाज का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथम अध्याय है पृथ्वी हमारा घर, द अर्थ आवर होम। आज हम इस चैप्टर में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर रहते हैं, यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। हमारी पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है, यह जल व भूमि से बनी है। इसकी सतह असमान है, असमान मतलब समान नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ऐसी है। पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग भूमि है, बाकी जो शेष है वो जल से ढका है। हम पृथ्वी के केवल 30% भाग पर ही रहते हैं तथा कार्य करते हैं, और इसी पृथ्वी पर भारत जैसे बहुत से देश बसे हैं। हम पूरी पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते। पृथ्वी को जानने के लिए इसके मॉडल या नमूने का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के इस मॉडल या नमूने को ग्लोब कहते हैं, जो हम ज़्यादातर स्कूलों में देखते हैं। गोल सा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह तथा आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए वायु एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वायु के बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते, वायु और जल के बिना। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व तथा वृद्धि के लिए भूमि, जल और वायु की आवश्यकता होती है। मनुष्य, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। सन 1961 में रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया था। उसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोल आकृति को देखा। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा है। नील आर्मस्ट्रांग ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। वहाँ से उन्होंने पृथ्वी के कुछ चित्र लिए। चंद्रमा से लिए गए चित्रों से भी ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का आकार गेंद के समान गोल है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें पढ़ेंगे, आओ दोहराएं। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूम, केतु तथा उल्काएं हैं। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग भूमि है तथा शेष 70% भाग जल से ढका है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसका कोई किनारा नहीं है। वह स्थान जहाँ पर भूमि और समुद्र मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। धन्यवाद।